भाई साहब, एक ऐसी मूवी आ रही है जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन एंड बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने वाली है ऐसे लोगों को जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो कुछ बड़ा अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। मैदान मूवी का ट्रेलर आया है भाई, स्पोर्ट्स में है, मतलब फुटबॉल की हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश करी है। जहाँ वो उस बात उस दौर की यहाँ दिखाई जा रही है, 1952 टू 1962 के टाइम पर, जहाँ फुटबॉल उस स्पीड में ग्रो कर रहा था, खासकर इंडिया में, और इंडियन प्लेयर्स भी पूरी जी जान पूरी मेहनत लगा के अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वो ट्रॉफी जो भी है अचीव करना चाहते थे, सक्सेस को अचीव करना चाहते थे। तो उसके ऊपर उस चीज़ के लिए बहुत से ऐसे शख्सों का हाथ रहा है। एच कोच अजय देवगन जो हमें देखने को मिल रहे हैं भाई, रियल बायोग्राफी, रियल इंसिडेंट पर ये मूवी बन रही है, जो लिटरली ट्रेलर में कहूंगा भाई गूजबम्प देके जा रहे हैं। एज ए फुटबॉल प्लेयर, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भाई, मेरे को ये ट्रेलर कनेक्ट करके गया है। आई डोंट नो कि और लोगों को कनेक्ट करा होगा या नहीं करा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे बहुत ज्यादा, कभी हाई इमोशन हो जाएगा जब वो गोल्स करने जाएंगे, क्योंकि स्ट्राइकर जिस हिसाब से चल रहे हैं इसमें, यानी जो कास्ट है भाई दमदार कास्ट है। कल जो प्री टीजर निकला था भाई, उसे देख के लग रहा था कि थोड़ा छीछा लेदर ना हो जाए, लेकिन अभी जो ट्रेलर निकला है भाई सॉलिड है, कोई शिकायत नहीं है। एक दो चीजें अटपटी हैं जो मैं अभी आगे जाकर डिस्कस करूंगा नेगेटिव में, वो नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो उस पर ध्यान दिया जा सकता था, लेकिन ट्रेलर में जिस हिसाब की कास्ट है और कास्ट जिस हिसाब से एक्ट कर रही है, क्योंकि भाई साहब फुटबॉल कोई इतना आसान गेम नहीं है, एक टीम प्लेयर गेम है, और जिस हिसाब से उससे सिनेमाटोग्राफी होगी, वो एक एक चीज़ से कनेक्ट करवाना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। एज स्ट्राइकर जो बंदा यहाँ चल रहा है, एक अंडरडॉग दिखाया जा रहा है, एज स्ट्राइकर जो गर्ज जो एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी स्ट्राइकर के पोजीशन पे खेला करते थे, और जो जुनून होता था, जो एनर्जी होता था, करो या मरो, मतलब बॉल भाई जंग है ये जंग, दुश्मन के गढ़ में घुस के गोल मारना, पॉइंट लेकर आना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, फुल डिफेंस लगा होता है, लेकिन बावजूद इसके भाई चीर के जाते हैं। तो वो स्ट्राइकर वाला चीज़ भाई फुल रिकनेक्ट करके गया है और रिकॉल करके गया है, तो वो चीज़ दमदार लगी। एज कोच अजय देवगन भाई दमदार लग रहा है, जिस हिसाब से वो अपनी टीम को बूस्ट कर रहा है, जिस हिसाब से अपनी टीम के लिए लड़ रहा है, उसे एक फाइन टीम चाहिए भाई। कोच पागल होते हैं, अगर आपका कोच पागल नहीं है, आपकी टीम सक्सेस नहीं होगी। किसी भी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर देख रहा है, वो चीज़ बड़े अच्छे से कनेक्ट करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन भाई, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस अगर बताऊँ, जब हमारी ट्रेनिंग चला करती थी फुटबॉल की नेशनल्स के लिए, तब हमारा कोच इतना पागल था, वो 3 टाइम भरी दोपहर में भी हमें प्रैक्टिस किया कराया करता था, और जो हम गालियाँ दिया करते थे उसे, वो अलग लेवल का चीज़ है। लेकिन भाई मूवी दमदार आ रही है, ईद पर आ रही है, लेकिन क्लैश हो रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, तो भाई ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, दमदार लगा है। कास्ट जो भी है इसमें, 11 प्लेयर्स जो भी खेलने वाले हैं, एज गोलकीपर जो बंदा लंबा देखने को मिल रहा है, वो भी बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। और एंड ये 1952 और 1962 के दौर पर ही एक बात ये थी कि जब, क्योंकि आज तक इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उस टाइम पर क्वालिफाई कर गया था। लेकिन क्या था कि जो फुटबॉल फेडरेशन थी इंटरनेशनल, वो फुटबॉल इंडियन फुटबॉलर्स को नंगे पैर नहीं खेलने दे रही थी, और उन्हें बूट्स की आदत नहीं थी। तो भाई वो चीज़ हिस्ट्री का ये पार्ट है, अगर यहाँ पर वो चीज़ दिखा दी जाएगी तो भाई मज़ा आ जाएगा। निगेटिव में एक चीज़ बड़ी गंदी लगी, जो बनाना केक अजय देवगन ने हिट किया, डिलीवर किया, वो भाई बनाना केक ना लग के बहुत ज़्यादा फिक्सन डाल ही दिया है उन्होंने, और वो यूटर्न किक लग रही थी जो ट्रेन से बिल्कुल ऐसे होके जा रही थी। तो भाई इतना नहीं होता है, इतना लंबी चौड़ी भी मत फेंको, रोनाल्डो रोनाल्डिनो भी इतना लंबा कर्व नहीं दे पाते हैं, एक स्विंग होता है और वो फाइन स्विंग के साथ चले जाती है बॉल, बट यू टर्न वाला हिसाब नहीं जमा। बाकी मूवी मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा फिक्सन एंड विजुअल इफेक्ट्स का यूज ना ही हो, रियलिटी पे फोकस करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, दमदार होगी और फाड़ होगी। बाकी आपने ट्रेलर देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। वेट करते हैं ईद के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो भाई वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है। बाकी आपके जो मन में है भाई, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। बाय।